मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव हल्दी खुर्द में विद्यालय के सामने जर्जर सड़क का निर्माण और जल भराव की समस्या एक साल से दूर नहीं हो सकी। आए दिन यहां पर लोग गिरकर चोटिल होते हैं। लगभग आधा दर्जन गांवों का रास्ता इस सड़क से होकर जाता है। गुरुवार को ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं और चुनाव के बहिष्कार का बैनर लगाया। शुक्रवार को ग्रामीणों ने जल भराव की समस्या से निजात के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। शुक्रवार को हल्का लेखपाल ने ग्राम समाज की भूमि पर नपत की और ग्राम समाज की जमीन में सोकपिट गड्ढे का निर्माण ग्राम प्रधान द्वारा कराया जाएगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब तक समाधान नहीं हो जाता हम धरने से नहीं उठेंगे। ग्राम प्रधान राहत हुसैन ने बताया कि शुक्रवार को लेखपाल द्वारा नपत पूरी कर ली गई है। ग्राम समाज की जमीन में सोमवार से सोकपिट गड्ढे के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। प्रधान राहत हुसैन ने बताया कि ग्रामीण ग्राम समाज की भूमि पर घूरे डाले हुए हैं। ग्रामीणों को घूरे हटाने को 2 दिन का समय दिया है। यदि 2 दिन में घूरे नहीं हटाए तो JCB से हटवा दिए जाएंगे और निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा जिससे जल भराव की समस्या दूर हो सके। बात कर लें उनसे। क्या नाम है आपका? राहत हुसैन। ये जो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं इसमें क्या कहना है आपका? आज लेखपाल वगैरह आए थे, आज स्कीम आई थी, SDM साहब ने भेजी है तो सामने रोड पे कोई समाधान ऐसा नहीं निकल रहा है कि खेत में पानी दिया जाए। लास्ट में ये तय किया गया है तो बराबर में शुद्ध बराबर हमारी ग्राम समाज की जगह है जो घूरे पड़े हुए हैं, घूरे हटवा के सोमवार तक का टाइम दिया है घूरे हटाने के लिए। अगर वो नहीं हटाते सोमवार को JCB लगा के और पक्का सोकपिट बनवाया जाएगा और ये पानी उसमें दे दिया। आप यहाँ क्या हैं गाँव में? प्रधान वर्तमान प्रधान निकलने वाला है उसके पानी के निकास की समस्या है। ये काफ़ी समय से बनी हुई है समस्या तो इसमें पूर्व प्रधान के समय से है, अब वर्तमान प्रधान है, आज वही समस्या आज भी इसी तरह की बनी हुई है। इस पर हम काफ़ी प्रयास कर चुके हैं काफ़ी समय से, गांव लेवल पर प्रधान से भी हमने अनुरोध किया पिछले से भी और वर्तमान में उनसे भी और प्रशासन से भी कर रहे हैं इसकी मांग। इस समय चुनाव का महोत्सव चल रहा है उसका जो है यहाँ मतदेय स्थल भी है, यहाँ पर लोगों को वोट डालने की भी समस्या होगी तो उसको लेकर हम इसका एक स्थायी समाधान चाहते हैं कि ताकि जो है स्थायी समाधान हो जाए। किसी तरह का अगर नहीं होता है तब तक हम इसी तरीके धरने बैठे रहेंगे जब तक इस समस्या का निदान नहीं होता है। इसको हम काफ़ी बार अवगत करा चुके हैं।